और मुख्यमंत्री को और कुछ अधिकारियों को अलग करके उस कैंप में रहने वाले कुछ शरणार्थियों से हमने बातचीत की, क्या आवश्यक सुविधाएं जो आपको मिलनी चाहिए ऐसी संकट की घड़ी में वो सुविधाएं मिल रही हैं अथवा नहीं मिल रही हैं। मुझे खुशी है सबने संतोष व्यक्त किया है। लेकिन मैं समझता हूं कि किसी भी राज्य के समक्ष यदि इतनी बड़ी चुनौती खड़ी होती है तो राज्य सरकार तो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करती ही है, लेकिन अन्य भी जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जो एनजीओज हैं, मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूं कि असम राज्य की जनता की मदद करने के लिए उन्हें भी आगे आना चाहिए। मुझे जानकारी दी गई है कि इस बार बाढ़ के कारण लगभग 26 लोगों की मृत्यु हुई है एक सप्ताह के अंदर, 7 दिनों के अंदर। 28 से अधिक जिले प्रभावित हैं, 36-37 लाख जनता प्रभावित है। असम राज्य के चीफ सेक्रेटरी का तो यह कहना था कि कमोबेश लगभग असम के जितने जिले हैं सभी प्रभावित हैं। एनडीआरएफ की टीम समय से यहां पहुंची है और इस समय एनडीआरएफ की 60 नौकाएं लोगों की जिंदगी को बचाने में लगी हुई हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवानों को जिन्होंने बहुत तत्परता के साथ काम किया है और जो मुझे जानकारी दी गई है लगभग 6,000 से अधिक लोगों की जान बचाने में उन्हें कामयाबी हासिल हुई। असम की राज्य सरकार ने जो विक्टिम्स हैं यानी जिनकी जाने गई हैं उनके परिवार के लोगों को तत्काल 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी मुहैया कराई है। शायद असम के इतिहास में या देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा सारे जनप्रतिनिधियों को ऐसी संकट की घड़ी में जनता के बीच होना चाहिए, जनता की सेवा में होना चाहिए। इस सोच के कारण असेंबली का सेशन जब चल रहा हो तो पूरी असेंबली के सेशन को ही सस्पेंड करना मैं समझता हूं कि भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ होगा और मैं इस सरकार की इस संवेदनशीलता की दाद देता हूं, इसकी मैं प्रशंसा करता हूं। पिछले साल की तुलना में भी काफी अच्छा रहा है। और मैं गया यहां पर मोरी गांव, वहां देखा सारे जनप्रतिनिधि लगे हुए, लोगों ने बताया कि जनप्रतिनिधि भी हमारी सेवा में लगे हुए। वैसे जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं यहां असमिया में हवाई सर्वेक्षण को, नहीं वो तो अंग्रेजी में कहते हैं, असमिया में पूछना चाहिए एरियल आकाश मार्ग पर दर्शन हो तो बहुत किया है हम लोगों ने एरियल सर्वे जिसे बोलते हैं। काफी गांव, काफी क्षेत्र डूबे हुए और जिन क्षेत्रों को हम लोगों ने आज देखा है वह है काजीरंगा अभयारण्य, नगांव व मोरीगांव। सभी स्थानों पर जाना संभव नहीं था लेकिन इस जिम्मेदारी को हमारे मुख्यमंत्री सर्बानंद जी सोनोवाल और उनके मंत्रिमंडल के सभी सदस्य और उनके सारे जनप्रतिनिधि निभा रहे हैं।